हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी सेल में जटार। दोस्तों आज हम क्लास 12 के उर्दू 50 मार्क्स का आंसर की आप लोगों को बताने वाले। दोस्तों सभी पर्सन 100% से बताऊंगे। दोस्तों यह अनुभवी शिक्षकों द्वारा जांचा गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों पारा में प्रश्न देखने पा रहे हैं कि सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए। दोस्तों सर सैयद अहमद खां जो पैदा हुआ था वो आपका दिल्ली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों प्रश्न ये है कि आज़ाद बख्त का किस्सा किस दास्तान से लिखा गया है, यानी कि लिया गया है। तो दोस्तों दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाग ओ बहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखने पा रहे कि इनमें अल्ताफ हुसैन हाली का मजमून कौन सा है। दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जबाने गोया। और बढ़ चलते हैं जो चारों प्रश्न देखने पा रहे कि मिर्जा नोशा किस शायर को कहा जाता है। दोस्तों मिर्जा नोशा जो किस शायर को कहा जाता है, चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गालिब को कहा जाता है। तो दोस्तों और पांच नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि हयाते जावेद क्या है। दोस्तों हयाते जावेद क्या है। दोस्तों पांच का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शोएब है। अगला प्रश्न देखने पा रहे कि छह नंबर सवाल ये है कि कुरान पाक की तारीखी कुरान पाक की तारीखी आज एजाज किसने लिखा। दोस्तों कुरान पाक की तारीखी एजाज जो है किसने लिखा। दोस्तों छः का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, और बढ़ चलते हैं जो सात नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि इंतजावे सखन का सिलसिला किस शायर ने शुरू किया। दोस्तों सात का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मौलाना शौकत अली। ठीक है, बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हे दोस्तों हमारे जो आठ नंबर सवाल देखने पा रहे हैं कि बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस कॉलेज से था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक, और अगला प्रश्न दोनों प्रश्न देखने पा रहे हैं कि पगड़ी एक गुलाब की सी है किसका मर्सिया। दोस्तों ये आपका नौ का जो राइट आंसर की बात बोले तो नौ का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पगड़ी एक गुलाब की सी है ये जो है किसका मर्सिया। दोस्तों नौ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मीर तकी मीर की है। और बढ़ चलते हैं जो दस नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि नज़म हज़रत मोहम्मद किस किताब से माखूज है। दोस्तों दस का जो राइट आंसर की बात बोले तो दस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न जो देखने पा रहे हैं कि ग्यारह नंबर जो प्रश्न है कि गज़ल के पहले अहम काफिया शायर को क्या कहा जाता है। दोस्तों ग्यारह का जो राइट आंसर की बात बोले तो ग्यारह का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी मतलब। दोस्तों बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हे दोस्तों हमारे जो बारह नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि जिल्लत की जिद क्या होगा। दोस्तों जिल्लत की जिद जो होगा आपका क्या होगी। दोस्तों बारह का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इज्जत। अगला प्रश्न देखने पा रहे कि तेरह नंबर जो प्रश्न है हमारे कि गुलशन क्या है। दोस्तों गुलशन क्या है, तो दोस्तों तेरह का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसमें जरफ है। ठीक है, गुलशन है क्या, इसमें जरफ है। और चौदह नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि मीर उर्दू दोस्त। हे दोस्तों हमारे चौदह नंबर प्रश्न देने पा रहे कि मेरा दोस्त कल मिलने आएगा, ये जुमला जो है किस जबान से ताल्लुक लिखा गया। ठीक है दोस्तों, इसका चौदह नंबर का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ चलते जो पंद्रह नंबर प्रश्न देने पा रहे कि पैगामे अमल किस की नज़म है। दोस्तों पंद्रह का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहीदुल्लीन सलीम। ठीक है दोस्तों, बढ़ चलते अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न देखने पा रहा है कि सोलह नंबर जो प्रश्न है कि जवाल की जीत क्या होगी। दोस्तों जवाल की जीत क्या होगी, सोलह का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्याल। ठीक है, और अगला प्रश्न देखने पा रहे कि इल्म की जुमला क्या होगा। दोस्तों इम की जमा बताना। दोस्तों इम की जो जमा हो जाएगा, यानी कि सत्रह का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अलूम। ठीक है, और बढ़ चलते अगला प्रश्न जो अठारह नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि दर्जा जेल अल्फाज में मोनस कौन है। दोस्तों इसमें भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अठारह का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि खुशबू। और बढ़ चलते अगला प्रश्न जो 19 नंबर प्रश्न देने पा रहे कि जहन लड़का में जहन क्या। दोस्तों 19 का जो राइट आंसर की बात बोला जाए तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शफत। ठीक है, और अगला प्रश्न देखने पा रहे जो हमारा 20 नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि दर्जा जेल में कौन सा जो अल्फाज है लफ्ज जो है वाहिद। दोस्तों इसमें भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे। दोस्तों 20 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आलिम। और बढ़ चलते जो 21 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि दर्जा जेल में इस्म जो है मुसक्कर कौन है। दोस्तों 21 का जो राइट आंसर की बात बोला जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बागीचा। और बढ़ चलते जो 22 नंबर प्रश्न हमारे जो है उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है। दोस्तों 22 का जो राइट आंसर की बात बोले जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वली। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं जो 23 नंबर प्रश्न है कि अगला प्रश्न हमारा ये है कि
ये दोस्तों हमारे जो 23वां प्रश्न है कि मिन्नत बहादुर शाह किसका मजबूर है। दोस्तों 23 का जो राइट आंसर की बात बोला जाए तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख्वाजा हुसैन निजामी। बढ़ चलते अगला प्रश्न जो 24वां प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है मीर तकी मीर का हम अशर शायर है। दोस्तों 24 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर जो हमारा प्रश्न आप देखने पा रहे स्क्रीन में कि ये यानी कि कुछ दिया हुआ है ठीक है, तो आपसे बाहर जा सके किस शायर का है। दोस्तों 25 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गालिब ठीक है। और अगला जो 26वां प्रश्न हमारा देखने पा रहे कि गंज खूबी किसकी किताब है। दोस्तों गंज खूबी जो आपका किसकी किताब है, 26 का जो राइट आंसर की बात बोला जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हाल ही की। और अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि बादशाह को गौरिस्तान में क्या मिला। दोस्तों आस्था को गौरिस्तान में क्या, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दरवेश। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं जो 28वां प्रश्न हमारा है कि नजम कलजुक किसकी है, मतलब कि नजम कलजुक जो है किस। तो दोस्तों 28वां जो प्रश्न है कि नजम कलजुक जो है किस हेत में है। दोस्तों इसका जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मजदस। और अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि इल्म की गंज भी क्या है। दोस्तों 29 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यानी कि हाथ। और अगला और अंतिम प्रश्न देखने पा रहे हैं कि इनमें ऐसे कौन सा जो मजमून है नज्म है आपके निशाब में शामिल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर की बात बोला जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है कलजुग। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हम कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए चैनल उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।